सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट करने के बाद हर किसी के मन में कॉन्फ्यूजन रह जाता है कि एक्चुअली सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए और नॉर्मल रिपोर्ट कितना होना चाहिए। क्योंकि जहाँ से जिस लैब से आप टेस्ट करते हैं, कुछ लैब ऐसा होता है उसका जो नॉर्मल रेंज और नॉर्मल वैल्यू अलग अलग टाइप का होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम भी होता है। इसलिए आप लोगों का मन में ढेर सारा कन्फ्यूजन रह जाता है और आप उस रिपोर्ट को समझ नहीं पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा और समझाने का कोशिश करूंगा कि एक्चुअली सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट का नॉर्मल रेंज और नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए और नॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है। और जब मैं इस चैनल को चेक करता हूँ, आप लोगों का ढेर सारा कमेंट मुझे मिलता है, इंस्टाग्राम का थ्रू भी कमेंट मिलता है, आप लोगों का मन में अभी तक भी कन्फ्यूजन रह गया है। और ऑलरेडी इस चैनल पर सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में ढेर सारा वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन फिर भी आप लोगों का मन में कन्फ्यूजन रह गया है। सो इसलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के मन में जितना सारा कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए आज की इस वीडियो को आप सभी को कम्प्लीटली वॉच करना है, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथों साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा चैनल पर अभी तक यहाँ पर ओनली 8% लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इसलिए सभी के पास रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, सीमेन एनालिसिस के बारे में नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, मेरा नेम है अंजन महंती और आप सभी लोग देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और इसको डिटेल्स में समझाने के लिए अभी मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा मोबाइल का स्क्रीन पर। तब तक आपका मोबाइल का स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, जूम कर लीजिए, जिसकी वजह से आप लोगों को समझने में आसान हो जाएगा। तो चलिए मोबाइल का स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, ये है एक पेशेंट का सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट जो कि डॉक्टर लाल पैथ से हुआ था। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लैब है और इसका जो ब्रांचेस है बहुत सारा जगह में है। तो अभी मैं एक्चुअली बताऊंगा इसका नॉर्मल रेंज और नॉर्मल वैल्यू एक्चुअली कितना होना चाहिए और नॉर्मल रिपोर्ट इसका क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहले आता है टेस्ट नेम, उसके बाद रिजल्ट्स, यहाँ यूनिट्स और लास्ट में आता है, आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रेफरेंस रेंज। तो यहाँ आपको ध्यान से देखना है एक एक चीज़ को। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, यहाँ कौन सा चीज़ को आपको चेक करना पड़ता है, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ एब्स्टिनेंस, यानी कि आपका रिलेशन से कितना दिन बाद सीमेन एनालिसिस टेस्ट का गैप होना चाहिए, कितना दिन के अंदर होना चाहिए। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है आप देख सकते हैं ओनली 2 to 7 days होना चाहिए। आप देख सकते हैं मिनिमम 2 to 7 दिन तक होना चाहिए, उसके बाद आप रिलेशनशिप का 2 to 7 दिन बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हैं लिक्विफेक्शन टाइम। ये जो लिक्विफेक्शन टाइम है हमेशा लैब के अंदर 37 degrees Celsius के अंदर रखा जाता है। इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए आप देख सकते हैं हमेशा 30 minutes to 60 minutes तक होना चाहिए। उसके बाद और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम। सीमेन का जो वॉल्यूम है आपका हमेशा 1.5 ml से ऊपर होना चाहिए। आप देख सकते हैं मिनिमम 1.5 ml से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आप देख सकते हैं pH। pH का मतलब है फॉस्फेट। जो सीमेन के अंदर फॉस्फेट का प्रेजेंट होना चाहिए 7.2 to 7.8 मिनिमम होना चाहिए हमेशा। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक एक बात डिटेल्स में समझाऊंगा, ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप देख सकते हैं, सबसे पहला आता है टोटल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन। टोटल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, कुछ रिपोर्ट्स में आता है टोटल काउंट, टोटल स्पर्म काउंट कुछ इस टाइप का लिखा आता है। टोटल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन यानी कि टोटल स्पर्म काउंट का मतलब है कि आपका सीमेन के अंदर कितना परसेंट स्पर्म वहाँ पर होना चाहिए, यानी कि पर ml में कितना मिलियन होना चाहिए। अगर डेड भी हो चुका है तो भी उसको काउंट किया जाता है। तो इसका जो मिनिमम जो रेंज है, नॉर्मल रेंज है, हमेशा आपका रिपोर्ट में होना चाहिए सीमेन के अंदर पर ml में 15 million से ऊपर होना चाहिए। आप देख सकते हैं 15 million से अगर ऊपर होगा तो उसको नॉर्मल माना जाएगा, ओनली 15 million से ऊपर चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ एक कॉन्फ्यूजन रह जाता है, कुछ लैब में आपका जो रिपोर्ट आप करते हैं, कुछ लैब में आपको बताता है कि आपको
15 मिलियन चाहिए, 70 मिलियन चाहिए, 20 मिलियन चाहिए, कुछ स्टेप का बताता है जो कि वो गलत है। आपको जो एक्चुअल जो सच्चाई है आपका रिपोर्ट में 15 मिलियन से ऊपर होना चाहिए, सीमेन के अंदर पर एमएल में 15 मिलियन से ऊपर स्पर्म काउंट होना चाहिए हमेशा। तो उसके बाद और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ मोर्टिलिटी। परसेंटेज ऑफ मोर्टिलिटी का मतलब है कि जो मोर्टिलिटी का मतलब है कि आपका स्पर्म का मूवमेंट कितना, स्पर्म मूव हो रहा है तेजी से, रैपिडली मूव कर रहा है, कितना स्पर्म स्लोली स्लोली मूव कर रहा है और कितना स्पर्म डेड हो चुका है, उसका टोटल काउंट जो होना चाहिए, जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए हमेशा ओनली 40% से हमेशा ऊपर होना चाहिए, आप देख सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं मोर्टिलिटी के अंदर एक चीज़ आता है ग्रेड ए में, प्रोग्रेसिव मोर्टिलिटी। प्रोग्रेसिव मोर्टिलिटी जो है कुछ लैब में रैपिड मोर्टिलिटी लिखा जाता है, कुछ लैब में एक्टिव मोर्टिलिटी भी लिखा जाता है, जो कि वो सेम चीज़ ही है। प्रोग्रेसिव रैपिड और जो एक्टिव है वो सेम ही है। एक्टिव मोर्टिलिटी का परसेंटेज जो होना चाहिए मिनिमम, जो इसका नॉर्मल रेंज है आप देख सकते हैं ओनली 32% से हमेशा ऊपर होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अगर आपका रिपोर्ट में जो मोर्टिलिटी है 32% से ऊपर है, यानी कि प्रोग्रेसिव मोर्टिलिटी, तो आपका रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आएगा। ये जो रिपोर्ट है, आप लोगों का मन में कॉन्फ्यूजन रह जाता है जब आप कुछ लैब में रिपोर्ट करते हैं, वहाँ पर आपका रिपोर्ट में दे देता है कि आपको 40% चाहिए, 50% चाहिए, 60% चाहिए, वहाँ पर बताता है, जो कि वो गलत है। आपका एक्चुअली जो चाहिए आपका एक्टिव मोर्टिलिटी वो 32% से हमेशा ऊपर होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट 100% करेक्ट आएगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं और भी कुछ चीज़ आपको देखने का जरूरत नहीं है, बाकी जो नॉन प्रोग्रेसिव है यानी कि कितना परसेंट स्पर्म स्लोली स्लोली मूव कर रहा है और कितना परसेंट स्पर्म डेड हो चुका है, उसका परसेंटेज का ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है प्रोग्रेसिव मोर्टिलिटी का ऊपर। ये हमेशा 32% से, ओनली 32% से हमेशा ऊपर होना चाहिए। और ये जो प्रोग्रेसिव मोर्टिलिटी है ये प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा वाइटल चीज़ है, यानी कि स्पर्म अगर बहुत तेज़ी से मूव होगा, रैपिडली मूव होगा, तो आपका जो प्रेगनेंसी आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसका परसेंटेज आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का हमेशा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आपको कुछ और भी नहीं देखना है, और एक चीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन जो होता है हमेशा आपको नेगेटिव होना चाहिए, आप देख सकते हैं ये हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद और एक चीज़ है पास सेल। पास सेल का मतलब है कि आपका सीमेंट में अगर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह प्रेजेंट है तो यहाँ पर शो होगा। इसका नॉर्मल रेंज हमेशा नील होना चाहिए। उसके बाद और एक चीज़ है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का मतलब है कि अगर आपका सीमेंट के अंदर ब्लड वगैरह प्रेजेंट है, ब्लड आ रहा है, तो वो शो करता है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है। इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए आप देख सकते हैं हमेशा नील होना चाहिए। उसके बाद और एक चीज़ है एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल जो होता है इसका नॉर्मल रेंज होना चाहिए नील। एपिथेलियल सेल का मतलब है कि आपका सीमेंट में अगर इन्फेक्शन वगैरह प्रेजेंट है तो यहाँ पर शो करता है। तो ये जो तीनों चीज़ है, पास सेल, एपिथेलियल सेल और रेड ब्लड सेल्स, ये हमेशा नील होना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉर्फोलॉजी। ये जो मॉर्फोलॉजी है आपको ध्यान से सुनना है। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि आपका सीमेंट के अंदर कितना परसेंट स्पर्म नॉर्मल है और कितना परसेंट स्पर्म एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल कुछ स्पर्म आ जाता है, जैसे कि कुछ सीमेंट के अंदर जो स्पर्म होता है वो उसका डबल टेल हो जाता है, डबल हेड हो जाता है, हेड बड़ा होता है, हेड छोटा होता है, उसको एबनॉर्मल माना जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं आता है। तो यहाँ पर नॉर्मल जो मॉर्फोलॉजी यानी कि नॉर्मल स्पर्म जो होना चाहिए, यहाँ पर इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए हमेशा आपको यहाँ पर शो करना है। आप देख सकते हैं 4% से, ओनली 4% से हमेशा ऊपर होना चाहिए। कुछ लैब में इसको बड़ा भी देता है, लेकिन ये गलत है। आपका जो एक्चुअली जो रिपोर्ट होना चाहिए 4% से नॉर्मल स्पर्म काउंट का ऊपर होना चाहिए। उसके बाद बाकी जो एबनॉर्मल है और एबनॉर्मल के ऊपर आपको ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मल स्पर्म जो होता है, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, ये हमेशा 4% से, ओनली 4% से ऊपर होना चाहिए। बाकी आपको कुछ चीज़ को देखने का ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है फ्रुक्टोज क्वालिटेटिव। ये जो फ्रुक्टोज क्वालिटेटिव है, एक्चुअली जो इसका नॉर्मल रेंज होना चाहिए हमेशा सीमेन में प्रेजेंट होना चाहिए फ्रुक्टोज। ये जो रिपोर्ट आप लोग देख रहे हैं, इस रिपोर्ट के अंदर एक्चुअली जो आपका नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए रिपोर्ट के अंदर, जो रिजल्ट जिसकी वजह से एकदम 100% करेक्ट आएगा, इसको मैंने बताने का कोशिश की है, और उम्मीद है कि आप लोग सब कुछ समझ गए हैं। कुछ लैब में बहुत जो रेफरेंस रेंज होता है
उस लैब में ज़्यादा होता है कम होता है, लेकिन जो एक्चुअली जो रेफरेंसेस कितना होना चाहिए वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के माध्यम से बता दी है, और हो सकता है कि आपका कॉन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आप लोगों को समझाने का कोशिश की है, एक्चुअली जो इसका डिटेल्स किया है मैं बताने का कोशिश की है, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ कम्प्लीटली नॉलेज आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो को लेकर अगर आप लोगों का मन में कहीं भी जगह में कोई भी थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन रह जाता है तो आप इसी वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में फिर भी आप बता सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चैट के द्वारा बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट को आप सेंड करना चाहते हैं, आप खुद से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे सेंड कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे आप सेंड कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।